हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दावे जेड एकेडमी से मैं मोहम्मद आफ्ताब आलम, और आज आपको बताऊंगा आपके काम की बात। जी हाँ दोस्तों, जिन बच्चों ने एग्ज़ाम देना है अप्रैल सन 2019 के अंदर NIS ओपन से 10वीं या 12वीं का, उनसे संबंधित मैं ये वीडियो बनाकर लाया हूँ। उनके काम की वीडियो है, ये टॉपिक है एक्चुअल में TMA के ऊपर। जी हाँ, जैसे कि आपने नीचे देख लिया होगा, हेडिंग TMA के ऊपर है कि आप TMA कहाँ सबमिट करवाएंगे, TMA के मार्क्स कब जुड़ेंगे कब नहीं जुड़ेंगे, TMA आपको सबमिट पुराने वाला करवाना है या नया करवाना है, आपको रीजनल सेंटर पे जमा करवाना है, स्टडी सेंटर पे जमा करवाना है, या आपको ऑनलाइन सबमिट करना है, कौन से साल का हम जो है TMA जमा करवाएं, पुराना या नया, और भी बहुत सारे सवाल जो आपके मन में चलते हैं, वो सभी का जो है आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो प्लीज़, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही मज़ेदार और आपके काम की वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे, उसके लिए आप जो है हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर सकते हैं। तो आइए आपके काम की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अपना गूगल ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मैं मोजिला फायरफॉक्स यूज़ करता हूँ, तो आप जो भी यूज़ करते हैं आप उसे ओपन कर लीजिए। आपको अपने गूगल ब्राउज़र में लिखना है NIOSTMA स्टेटस। जी हाँ, TMA स्टेटस हम चेक करेंगे, ठीक है, और एंटर कर देंगे। तो आपके सामने सबसे पहला जो पेज ओपन होगा वो इस तरीके से। तो देखिए, ट्यूटर मार्क असेसमेंट, जिसकी फुल फॉर्म होती है, उसका स्टेटस हम चेक करने वाले हैं। तो बस इस पे आप क्लिक कर दीजिए पहले वाले पे। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, और वहाँ से ले सकते हैं आप पूरी जानकारी। तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। सबसे पहला सवाल के जो है, हमें कौन सा TMA जमा करवाना है। तो जो बच्चे अभी फ़िलहाल अप्रैल सन 2019 में देने वाले हैं एग्ज़ाम, उन्हें जो है वो ये रहा, देखिए इनमें से जो है आपको जमा करवाना है TMA। इन ये कोई जिस भी भाषा में आप डाउनलोड करना चाहते हैं, उस भाषा में आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, और जौन सी भी मीडियम है आपका, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, वो सारी चीज़ें जो हैं आप यहाँ पर दे रखी है कि 18-19 वाले जो बच्चे हैं सेकेंडरी क्लास में, वो हिंदी, उर्दू और ये मराठी जो है, इस तरह से जो है उर्दू मीडियम है, ओरिया मीडियम है, या मराठी मीडियम है, या फिर यहाँ पर दे रखा है और भी तमिल, गुजराती वगैरह। तो ये भी आप जो है सीनियर सेकेंडरी वालों के लिए, तो यहाँ से आप जो है देख पाएंगे। फिलहाल मैं ऊपर आता हूँ, यहाँ पर दे रखा है बाय लर्नर टू स्टडी सेंटर। मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये इस तरीके से, ये देखिए TMA, यानी कि टीचर ट्यूटर मार्क असेसमेंट बाय लर्नर टू स्टडी सेंटर 31 जनवरी। तो जिन बच्चों को एग्ज़ाम देना है अप्रैल सन 2019 के अंदर, वो 31 जनवरी तक अपना TMS जमा करवा देंगे स्टडी सेंटर पर या ऑनलाइन। ऑनलाइन की भी फैसिलिटी है, मैं आपको फिर बता देता हूँ। आपको किसी स्टडी सेंटर में जाके धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहाँ पर जो है TMA जमा करवाने के भी कई स्टडी सेंटर वाले ले लेते हैं पैसे, 200, 400, 500 रुपये देंगे, तब वो आपको मार्क्स अच्छे देंगे, और अदरवाइज़ वो आपको मार्क्स थोड़े से बुरे दे देते हैं, जैसे कि आपको एक्सपेक्टेशन नहीं होती। तो आप ऑनलाइन जमा करवाइए, सब कुछ बढ़िया बढ़िया होगा। जो बच्चे देना चाहते हैं, जो बच्चे देने वाले हैं एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर के अंदर, वो जो है आराम से जमा करवाएंगे 31 जुलाई तक। जी हाँ, अब आप देख लीजिए, आपका जो पेपर है वो इसी साल, सॉरी, अप्रैल सन 2019 में होने वाला है या अक्टूबर सन 2019 में होने वाला है। अगर आपका एग्ज़ाम अप्रैल सन 2019 में होगा, तो आप 31 जनवरी तक स्टडी सेंटर में या ऑनलाइन जमा करवाएंगे, या अगर आपका एग्ज़ाम अक्टूबर सन 2019 में होने वाला है, तो आप 31 जुलाई तक जमा करवाएंगे। फिर ये दूसरी डेट क्या है, ये दूसरी डेट है जो आप जिस स्टडी सेंटर पे आप अपना असाइनमेंट जमा करवाएंगे, वहाँ के टीचर 15 फरवरी तक आपको नंबर देकर उसे फाइनल करना होगा, ठीक है। उससे पहले पहले वो आपको नंबर दे के उसे फाइनल कर देंगे, और आपको जो है 31 जनवरी तक देनी है। तो आप अपनी डेट याद रखिए, टीचर की छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर जो है 31 जनवरी आपकी लास्ट डेट है, अगर आप अप्रैल सन 2019 में देने वाले हैं एग्ज़ाम। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात कि सर, हमें जो TMA है वो कौन सा देना है, तो उसके लिए आप देखिए, वैसे तो यहाँ दे रखा है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने
लॉगिन कर लेंगे अकाउंट में, तो आपको वहां से डाउनलोड करने में सुविधा ज़्यादा अच्छी होगी और वहां से आप पूरी सारी जानकारी ले पाएंगे। मैंने कई सारी वीडियो बना रखी है अपना अकाउंट ओपन करने के लिए, तो आप वहां से वो देख सकते हैं। चलिए मैं आपको बता भी देता हूँ। ठीक। अच्छा, कई बार मेरे पास बच्चे आते हैं कि सर हम फेल हो गए तो क्या हमारे टीएमए के मार्क्स जुड़ेंगे या नहीं? तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आपके टीएमए के मार्क्स आपके फेल होने या पास होने पर निर्भर नहीं करता। आपने जमा करवाया है या नहीं इस बात पर निर्भर करता है। अगर आपने टीएमए जमा करवाया है तो वो आपकी मार्कशीट में शो होगा, और अगर आपने टीएमए जमा नहीं करवाया है तो नहीं होगा। थ्योरी के मार्क्स अलग जुड़ते हैं, टीएमए के मार्क्स अलग जुड़ते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप क्लियर कर लीजिए। तो आइए मैं आपको सीधे सीधे लॉग इन करके दिखाता हूँ आपके अकाउंट में। तो कैसे करेंगे, तो इस वे फिलहाल मैं इस वाले को कर देता हूँ बंद, और फटाफट हम करते हैं मोजिला फायरफॉक्स दोबारा से ओपन। इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं लिंक, तो आप वहाँ से कर सकते हैं इसे डायरेक्टली ओपन। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है तो, लेकिन आपके काम की है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। यहाँ पर इस चीज़ का मैं आपको लिंक दे दूंगा, और जो पीछे मैंने वेबसाइट खोली थी उसका भी लिंक मैं आपको देने वाला हूँ। यहाँ पे फिलहाल डोली का एक बच्चा है, उसकी मैंने जो है लॉगिन कर रखा है ऑलरेडी। तो आप भी अगर लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपना एनरोलमेंट नंबर डालकर उस लॉगिन कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसके डैशबोर्ड बोर्ड में चला जाता हूँ, और यहाँ देखेंगे ट्यूटर मार्क असेसमेंट दे रखा है। TMA फॉर सेकेंडरी कोर्स, TMA फॉर सर सेकेंडरी कोर्स 10वीं के लिए और 12वीं के लिए, ऑल इंडिया, यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, जो भी जहाँ भी बच्चे बैठे हों और TMA का स्टेटस चेक कर रहे हों, सभी के लिए TMA सेम होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑल इंडिया TMA एक ही होता है। तो यहाँ फिलहाल मैं TMA ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए, ये सारी की सारी जानकारी ओपन वालों ने दे रखी है। कोई भी जो है सवाल आपके मन में है तो आप प्लीज़ इस शिक्षक अंकित मूल्यांकन पत्र को पढ़िए, ट्यूटर मार्क असेसमेंट को ध्यान से पढ़िए, डाउनलोड कीजिए। प्रिंटआउट अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, उसको आप तसल्ली से पढ़िए और आपको सारे सवालों के जवाब आपको वहीं मिल जाएंगे। और दूसरी बात, जब भी आप अपने स्कूल में असाइनमेंट जमा करवाएंगे तो उसकी आप रिसीप्ट, जी हाँ रिसिप्ट आप जरूर ले लेंगे, ताकि आपके पास प्रूफ हो कि आपने असाइनमेंट जमा करवाया है। क्योंकि देखिए NIS ओपन वाले खुद भी कहते हैं कि आपको रिसिप्ट लेना ज़रूरी है। चलिए आइए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ इसमें आपको किन बातों पर ध्यान देना है और किन बातों को करना है नज़रअंदाज। तो यहाँ देखिए, मैं आपके मतलब की चीज़, शिक्षक अंकित मूल्यांकन पत्र की उत्तर पुस्तिका कहाँ तैयार करें? जी हाँ, उत्तर पुस्तिका कहाँ तैयार करना है आपको, तो आप खुद अपने हाथों से लिख कर, ये देखिए, आपको अपनी लिखावट में अपने चुने हुए विषय में ही मूल्यांकन पत्र तैयार करना है। तो जो आपके आई कार्ड पर जो सब्जेक्ट मेंशन होंगे, जो सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किए होंगे, सिर्फ उन्हीं का आपको शिक्षक अंकित मूल्यांकन पत्र तैयार करके आपको अपने अध्ययन केंद्र पर जमा करवाना है। और दूसरी फैसिलिटी, आपकी ऑनलाइन जमा करवाने की भी इस बार से फैसिलिटी आ गई है, तो आप ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं। कैसे होगा वो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेंगे, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा। शिक्षक अंकित मूल्यांकन पत्र का प्रारूप कैसा होगा? तो देखिए 20 अंक का होता है और इस तरीके से उसमें सवाल पूछे जाते हैं। चलिए नीचे आते हैं। शिक्षक अंकित मूल्यांकन पत्र कब और कहाँ जमा करें? तो जी, जो बच्चे जो है अप्रैल मई में जिनको एग्ज़ाम देना था देना है सॉरी, तो वो 31 जनवरी तक जमा करवा दें, और जिनको अक्टूबर नवंबर में देना है वो 31 जुलाई तक जमा करवा दें। शिक्षकों के लिए 15 फरवरी और 15 अगस्त डेट दे रखी है। देखिए, यदि निर्धारित अंतिम तिथि को सार्वजनिक अवकाश शनिवार रविवार होगा तो अगला कार्य दिवस स्वतः ही अंतिम तिथि माना जाएगा, इसमें आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 20% आपके अंक निर्धारित किया गया है और जो जो कि आपको दिए जाएंगे। ठीक, उसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पर और भी पूरी जानकारी दे रखी है। ऑडियो ऑन डिमांड भी दे का जी फैसिलिटी दे रखी है। और नीचे आइए, ये देखिए, ट्यूटर मार्क असेसमेंट, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, वो सारी बातें जो अभी आपको मैंने ऊपर हिंदी में बताई वो सारी इंग्लिश में भी दे रखी है, आप उसे पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, ये सारे जो है इसके असेसमेंट दे रखे हैं। आपके जो भी सब्जेक्ट हैं आप जो है उसको आराम से
सॉल्व कीजिए और जमा करवा दीजिए। यहाँ पे असेसमेंट सबमिशन रिसिप्ट कैसी होगी, तो आप पेज नंबर 59 के बाद जो आप पेज देखेंगे वो जो है आपका उसका प्रारूप होगा किस तरीके से, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे नीचे चलते हैं, यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। अब इसको डाउनलोड होने देते हैं और उसके बाद आप देख पाएंगे आपके सामने एक रिसिप्ट होगी और उसके बाद आप जो है इजीली वैसी रिसिप्ट आप ले सकते हैं। ये उर्दू का आपके सामने ये है, सबसे नीचे बॉटम में आ जाते हैं और यहाँ पर जो है देखिए सेशन 18 और 19 के इसमें है, इसमें शायद उन्होंने प्रारूप नहीं दिया है, ठीक है। तो कोई नहीं, तो आप जो है वहाँ पर जाएंगे तो आप प्लीज़ अपना वो ले लेंगे, प्रूफ ले लेंगे, जिससे कि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। अगर अब आप कोई भी जानकारी मुझसे इसके अलावा लेना चाहते हैं कि सर TMA से संबंधित हमें ये भी पूछना था और आपने वीडियो में ये बात तो बताई नहीं है, तो प्लीज़ नीचे टोल फ्री नहीं है, हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, आप जो है उस पर कॉल कीजिए 3 से 4 के बीच में, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। तो TMA से रिलेटेड आप और कोई सा प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वेलकम है, कमेंट बॉक्स में भी आप मुझसे ये सवाल पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियो का आपको करना नहीं पड़ेगा वेट, उसके लिए आप कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर कर दीजिए क्लिक, तुरंत आपके पास हमारी वीडियो नई जो होगी वो पहुंच जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे आफ्ताब आलम को दीजिए इजाज़त, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।